सोलापुर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस से उम्मीदवार पाने के लिए जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों में 52 लोगों ने अपनी उम्मीदवारी के आवेदन दाखिल किए हैं। दिलचस्प की बात यह है कि इन 52 लोगों ने आवेदन शुल्क के तौर पर पार्टी को 20,000 रुपए का फंड जमा कराया है। चुनाव से पहले कांग्रेस के पास अब 10,00,000 रुपए का फंड जमा हो चुका है। सोलापुर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा 17 और मध्य विधानसभा क्षेत्र से 16 उम्मीदवारों का नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लोकसभा की तरह विधानसभा में भी महाविकास आघाड़ी जारी रहेगी और दूसरी ओर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की भविष्यवाणी करने के लिए राज्य के सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों से आवेदन आमंत्रण किए गए हैं। दिलचस्प की बात यह भी है कि इस एप्लीकेशन की कीमत 20,000 रुपये लगाई गई है। कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष नंद कुमार पवार, शहर अध्यक्ष चेतन नरोटे के साथ प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में आवेदन दाखिल किए गए हैं। आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 8 अगस्त तक थी, अब इसे बढ़ाकर 10 अगस्त तक लगाई गई थी। फिलहाल 10 अगस्त का भी आखिरी दौर चले गया। कई सालों के बाद कांग्रेस भवन में लगातार 15 दिनों तक भीड़ रही। 3 लोगों ने सीधे मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में अपना आवेदन दाखिल किया है। सोलापुर सिटी सेंटर की उम्मीदवारी के लिए हर दिन नए सामुदायिक प्रतिमंडल कांग्रेस भवन में प्रवेश करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमारे समुदाय को उम्मीदवारी नहीं बनाया गया तो पार्टी खतरे में पड़ जाएगी। शहर अध्यक्ष चेतन नरोटे ने ये सब समझते नजर आ रहे थे। सोलापुर दक्षिण से उम्मीदवारी का दावा कांग्रेस के पूर्व पदाधिकारियों ने किया है। इस सीट पर हर दिन शक्ति प्रदर्शन होता रहा है। दावेदारी पार्टी में विरोधियों को चेतावनी देने जा रहे हैं। इससे मालूम यह होता है कि कांग्रेस पार्टी इस साल विधानसभा चुनाव को देखते हुए मालामाल हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जमजम न्यूज़ इंडिया।